यज्ञ के जो धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर कई सारे प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, फाइटोकेमिकल्स एक साथ हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें आरोग्य देने वाले होते हैं, हमें स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। यानी यज्ञ का जो धूम्र होता है वो हम सब के लिए और इस प्रकृति के लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी और हितकारी होता है। एक ग्राम यदि गाय के घी की आहुति देते हैं तो कितना हो गया, 1864 गुना, मानी 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई। कितनी गैस प्राप्त हुई, 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई। अब जो इतनी मात्रा में हमें गैस प्राप्त हुई, इस गैस को जब हम खुले वायुमंडल के अंदर छोड़े तो कितना प्रभाव देती है पता है। हम अपने घर के अंदर रोम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते होंगे। 350 ml का रूम स्प्रे हो और उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो लगभग साल भर चल जाता है। तो 350 ml से 350 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं, तो 1 लीटर 864 ml से कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं। और हम क्या 1 ग्राम गाय की घी से हवन करेंगे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, तो उसका कितना बड़ा परिणाम आएगा। और उसके साथ हम जड़ी बूटियां भी आहूत कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि जिस यज्ञ को अभी हम करेंगे वो यज्ञ बहुत मल्टीपल हमें लाभ देने वाला होता है, कई गुना लाभ को बढ़ा देगा।